हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी YouTube चैनल टूल इन्फो 1232 पर। कैसे हैं आप? जैसे कि आप जानते हैं, हम आपके लिए डेली बेस पे नए नए वीडियोस लेके आ रहे हैं और आज भी हम आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही उपयोगी एक प्रोडक्ट लेके आए हैं। प्रोडक्ट जो है वो बेसिकली एक एयरलेस गन है। अब ये जो गन मैंने तकरीबन 3 से 4 महीने, दोस्तों 3 4 महीने पहले मैंने ये जो मशीन है, मशीन तो पूरा देखा हुआ नहीं था, मगर सिर्फ इसकी छोटी सी क्लिप देखी थी कि एक बंदा था, वो पूरी एक जो बाउंड्री की वॉल थी, बहुत ऊंची 6 फीट की वॉल थी, वो पूरा मिनटों में उसको कलर करते 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 पूरी बाउंड्री वॉल घर की उसने तकरीबन 3.5 से 4 मिनट में पूरी बाउंड्री की वॉल कलर कर दी थी चारों तरफ से। तो तब से मेरे माइंड में यह था कि अरे एक हम ऐसा मशीन लाएंगे आपके लिए, क्योंकि हमारे बहुत से व्यूअर्स ऐसे हैं जो कलर वगैरह का काम करते हैं, जो कलर वगैरह का उनका कॉन्ट्रैक्ट का काम है, कमेंट भी आते हैं हमारे को। तो उसी के चलते हुए हमारे को ये बहुत दिनों से ये मशीन का हमने ऑर्डर किया था, अभी ये मशीन हमारे सामने आया है। और ये जो प्रोडक्ट है बेसिकली आइडियल कंपनी का, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ये रहा यहाँ पे आइडियल पावर टूल्स करके है और ये एशिया की बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है आइडियल कंपनी। एक्सपो में भी देखा था मैंने एक्सपो, हम लोग मुंबई एक्सपो में जो गए थे ना पावर टूल्स का, उसके अंदर भी हमने इसको देखा हुआ था। बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है इसके और बहुत ही रिलायबल इसके प्रोडक्ट है। उसके बाद हमने फिर क्या किया, इसको स्पेशली मंगवाया है आपके लिए कि हम आपको इसको पूरा डिटेल डेमो भी बताएंगे और कंप्लीट ये वीडियो के 2 पार्ट में हम करने वाले हैं। आज जो हम करेंगे इसके अंदर पूरा आपको प्रोडक्ट का डिटेल बताएंगे, प्रोडक्ट कैसे चलता है, काम कैसे करता है, वो हम आपको बताएंगे। और दूसरा जो वीडियो आएगा वो डेडिकेटेड ओनली फॉर इसका कलर का वीडियो आएगा। हम लोग उसके अंदर दीवार रंग के बताएंगे आपको, शटर रंग के बताएंगे और हो सकेगा तो दूसरी कई अप्लाइसेज भी आपको कलर भी अलग अलग तरीका के, जैसे हमारा मौसम होता है कलर वो करेंगे, ऑयल पेंट होता है वो करेंगे, डिस्टेम्पर होता है वो करेंगे। कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हम कलर को कवर कर सके, जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके अंदर ज्ञान प्राप्त हो सके कि कौन सा कलर हम इसके अंदर उपयोग कर सकते हैं। मशीन बेसिकली बहुत ही उपयोगी है और अभी तक जिन व्यूवर्स ने, हमारे नए व्यूवर्स ने जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, वो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर दें। और ये वाला जो मशीन है ये आपको किंग टूल सूरत पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में मैं मोबाइल नंबर और उनका एड्रेस वगैरह डाल दूंगा। बहुत सारे हमारे व्यूवर्स है जो हमें कमेंट के माध्यम से बता रहे हैं कि उनको शॉप को विजिट करना है, तो मैं उनसे वेलकम कहूंगा कि हमारे शॉप पे आप एक बार आ जाइए। आप जौन सा भी काम करते हो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर सामान आपको मिल जाएगा और स्पेशल टूल में 2 व्हील 4 व्हील हर कोई सामान, आपका जौन सा भी काम आप करते हो वो आपको सामान मिल जाएगा। तो चलिए डेमो फटाफट शुरू करते हैं। बॉक्स के ऊपर सबसे पहले हमारा कैटलॉग है, इसका थोड़ा कैटलॉग मैं आपको बता दूं डिटेल वाइज, पूरा आप स्टडी एक बार कर लेना। तो क्या इसके अंदर मशीन को कैसे इंस्टॉल करना है, कौन से पार्ट है, अगर आपका कलर मशीन के अंदर रुक गया है तो कहाँ से वो फ्री होगा, खाली होगा, वो सारी डिटेल आपको यहाँ पर मिल जाएगी। यहाँ पर आपको एलेंकी वगैरह मिल जाएगा, पाना वगैरह मिल जाएगा, देखिए। तो दोस्तों ये सामान के अंदर पहले क्या है, थैली के अंदर, वो भी मैं आपको बता लूं। वैसे मशीन के अंदर इतना सारा सामान आता नहीं है, मगर इसमें आया है, इसका मतलब ये सामान और ये मशीन बहुत ही उपयोगी होने वाला है। 27 नंबर का पाना, 24 का पाना, 19 का पाना, 17 का मिल जाएगा, 17 का और 19 का भी आपको मिल जाएगा। एक नोजल साफ करने के लिए आपको एक पतला सा महीन सुई मिल जाएगा, जिससे आप नोजल साफ कर पाएंगे। तो दोस्तों ये सारी डिटेल हम आपको बताएंगे और इसको इंस्टॉल करके बताएंगे और यूज करके बताएंगे। ये हमारे पास एलेंकी की पाने मिल जाएंगे, एलेंकी की बोल्ट है, ओके, स्टील के है ये, स्टील के बोल्ट है। और ये जो इसके वाइसर वगैरह भी है वो भी पूरे स्टील के है दिए हुए, और यहाँ पे आपको एलेंकी मिल जाएगी बढ़िया सी। देखिए ये सारा सामान को मैं यहीं पर रख देता हूँ और ये पूरे हमारे थर्माकोल को मैं उठा लेता हूँ, देखिए आप। और ये रहा हमारा सबसे नीचे मशीन, बहुत ही बढ़िया दिखने वाला, पूरा थैली के अंदर पैक आपको मशीन मिल जाएगा। मशीन के अंदर सबसे पहले मैं मशीन को ही बाहर निकाल लेता हूँ, भैया तू बाहर आ जा, हमारा बहुत ही काम का ये मशीन होने वाला है। हमारे जो कलर वाले जो व्यूवर्स हैं उनके लिए तो वरदान रूप है, क्योंकि हम जब इसका डेमो करेंगे ना, डेमो तब आपको पता चलेगा कि ये क्या चीज है। अभी क्या है आपको पता नहीं चलेगा, अभी आपको पता नहीं चलेगा, जब डेमो करेंगे तब पता चलेगा। तो डेमो के लिए तैयार रहे, नंबर 2 पार्ट 2 के लिए आप तैयार रहिएगा। बहुत अच्छा, नाइस। और देखिए भाइयों, देखिए दोस्तों, सिर्फ आप क्वालिटी देखिए भाई, ऐसा वैसा सामान हम लाते नहीं है, एकदम भयंकर सामान लाते हैं और आपका उपयोगी है। हमारे बहुत से व्यूवर्स हमें कमेंट करते हैं, भाई आप ये सब सामान लाते कहाँ से, तो भाई ये आप लोग की मोहब्बत है और आप लोग का प्यार है कि हम ये लेके आते हैं आपके लिए। ये सामान और ये प्रोडक्ट आपके लिए अभी तक कोई नहीं लेके आया होगा।
और ये आप पाइप मिल गया है, है, है। ये पाइप बेसिकली इनपुट है, पाइप ये पाइप इनपुट है, ये एयर का पाइप है। क्वालिटी देख लो भाई, क्वालिटी क्वालिटी देख लो, ये खींचेगा यहाँ से और यहाँ पे एयर रहेगी और ये हमारा मशीन के अंदर इनपुट होगा होगा। आज मैं पूरा आपको इंस्टॉल भी कर दूंगा इसको, डेमो के लिए पार्ट टू हम आपको देखना पड़ेगा, और डेमो पार्ट टू आप जितनी जल्दी नापूंगा। ओ बहुत ही हेवी होज है ये, देखिए पूरा स्टील से इसका जो स्प्रिंग है वो बनाया हुआ होज है पूरा, फ्लेक्सिबिलिटी मेंटेन रहे। इसको भी मैं काट देता हूँ, पहले स्टैंड वगैरह में निकाल दूं। ये हमारा आ गया स्टैंड, बढ़िया सा स्टैंड है, देखिए बॉक्स खाली है, बॉक्स खाली है कंप्लीट, कुछ नहीं है बॉक्स में, सब सामान आ गया है, सब सामान आ गया इसमें। ओके, और मैं सामान पहले आपको यहाँ पर रख देता हूँ। ये हमारा स्टैंड हो गया जिसपे मशीन रुकेगा, ये हमारा होज हो गया, और ये हमारा हो गया इसका कलर को इनपुट, कलर अंदर आएगा मशीन के अंदर, यहाँ से कलर बाहर निकलेगा, और ये हमारी नोजल हो गई। और भाई छोटी मोटी नोजल नहीं है, ये एयरलेस नोजल है, ये देखिए आप खाली नोजल की क्वालिटी देखिए भाई, पूरा यहाँ पे कवर किया हुआ है जैसा पूरा हाथ में लगे नहीं आपको, और बैलेंस वाला है। यहाँ पर आपका नोजल के नीचे का पाइप लग जाएगा, और ये आपका पूरा एंगल वगैरह सब सेट होगा, यहाँ से तीर दिया हुआ है येलो कलर के अंदर, देखने में एकदम भयंकर लग रहा है भाई। वजन कितना अरुण भाई? ये वजन तो मुश्किल से 400 ग्राम होगा, 400 ग्राम भी मुश्किल से होगा, मगर ये क्या है कि ये तो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग वगैरह का जो काम करेंगे ना उनके लिए तो आप देखेंगे, कल मैं डेमो बताऊंगा तो आपको लगेगा ये क्या लेके आ गए तुम। अच्छा, इंडस्ट्री के बड़े प्लांट वगैरह भी, अरे उसके अंदर तो ये बहुत अच्छे। सबसे खास बात इसके अंदर आपको मैं बता दूं कि ये जो आज के टाइम में एक लेबर आपके यहाँ आपके स्टेट में कितना लेबर चलता होगा मुझे पता नहीं, मगर हमारे यहाँ एक कलर के पेंटर का लेबर 800 रुपए चल रहा है। अब उसके हिसाब से आप हिसाब लगा लीजिए, 10 बजे लेबर काम शुरू करता है और शाम को 6 बजे काम खत्म कर देता है, उसके अंदर एक घंटे का खाने का ब्रेक हो गया, मुश्किल से 6 घंटा काम करता है। अगर ये सामान उसके पास आ गया ना तो आपको 4 घंटे का, 4 आदमी का लेबर ये अकेला एक कारीगर करके देगा। घिसाई विसाई कंप्लीट करने के बाद सिर्फ आप इसको उड़ाने के लिए छोड़ देंगे ना तो 4 आदमी का काम ये एक मशीन करके बताएगा आपको। मशीन का पैसा भी मैं आपको बताऊंगा, अभी नहीं लास्ट में बताऊंगा, नहीं तो आप वीडियो को बीच में छोड़ के चले जाएंगे, मुझे पता है। तो वीडियो प्लास्टिक को काट देता हूं। वाह देखिए दोस्तों, वाह बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्वालिटी वाइज तो मुझे बॉस को भी टक्कर मारेगा ये, क्योंकि अभी तक मैंने मशीन देखा नहीं था, ये पहली बार मैं मशीन देख रहा हूं और आप भी लगता है पहली बार ही देख रहे होंगे, तो बहुत ही बेहतरीन मशीन है। थैली के अंदर दूसरा कुछ नहीं है, देखिए ओवरऑल मशीन देख लीजिए आप। ओ, बहुत अच्छा, ये इसका पूरा यूनिट है, यहाँ से आपका कलर आएगा और यहाँ से हमारा एयर आएगा और यहाँ से हमारा नोजल लग जाएगा जिससे ये पूरा बाहर निकलेगा कलर, और ये जो नोजल हमारा इसमें फिटिंग हो जाएगा। इसका नॉब वगैरह मैं साइड पे हटा देता हूँ। मशीन को मैं आपको ओवरऑल बता दूं, ये पूरा मशीन देखिए बैग जैसा, बैग टाइप का मशीन है ये। ये लगता है मुझे ऐसे करके टिक जाएगा इसके ऊपर। यस यस, चार जो स्क्रू दिए वो दिए थे एलएनजी वाले, या या यस सही है। ये देखिए ऐसे करके उसी तरह बराबर था अरुण भाई, इसी तरह बराबर था। ओ इस तरह बराबर है, यस होल मिल गए। ओके ओके, ये एयरलेस गन है ये, यहां से आपको लिखा हुआ है देखिए, आइडियल प्रो एयरलेस स्प्रे गन, और 700 वोट का ये मशीन है भाई। आपको मैं बता दूं 700 वोट बहुत ही कम है, जो आपका नॉर्मल सी जो हमारी गन होती है ना, अभी आपको एक दीवार का कलर उड़ाना हो या लोहे के मशीन के ऊपर कलर उड़ाना हो, जाली वगैरह के ऊपर कलर उड़ाना हो, तो आपको 2 KV का कॉम्प्रेसर लेना पड़ता है। कॉम्प्रेसर लेने के बाद लेबर लगता है, हवा भरानी पड़ती है। ये क्या है, आपने प्लग लगा दिया, छोटा सा प्लग है सिंगल फेस का, प्लग लगा दिया आपका काम चालू। कॉम्प्रेसर 300-400 रुपए कॉम्प्रेसर का भाड़ा लगता है भाई, 300-400 रुपए भाड़ा लगता है, तो वो भी आपका बच जाएगा। वायर भी तकरीबन आप एक्सटेंड कर सकते हैं, 2 मीटर से ज्यादा का ही वायर है। और मशीन के आपको ओवरऑल बता दूं पहले, क्योंकि मुझे इंस्टॉल भी करके आपको बताना है भाई। यहां से आपका ऑन ऑफ का स्विच कलर आने जाने के लिए आपको मिल जाएगा। थोड़ा बहुत काम का उपयोग कैसे होगा वो मैं आपको डेमो जब करूंगा तब भी आपको बता दूंगा, कंप्लीट बता दूंगा। इसके बाजू में एक डोल लगेगा, बाल्टी लगेगा, वो बाल्टी के अंदर कलर बनाएंगे हम पहले, और कलर बनाने के बाद आपको पूरा उपयोग करके बताएंगे। अभी जैसे मैं आपको बता दूं, मैं आपको इसको इंस्टॉल करके बता देता हूं। तो सबसे पहले अभी हम क्या इंस्टॉल करेंगे, मशीन को ये स्टैंड के ऊपर फिट करेंगे आप, ठीक है दोस्तों। मशीन को हम सबसे पहले फटाफट फिट कर देते हैं, पहले इसका होल मिला लेते हैं। होल मिलाने के बाद ही जैसे हमारा एलेंकी है अंदर दिया हुआ है एलेंकी,
ये एलएनजी को फटाफट हम फिट कर देंगे, फटाफट अंदर चला जाएगा, ये टाइट हो गया, ये दोनों तरफ से धीरे धीरे टाइट कर देते हैं हम। आपको भी ये टाइट करना देखना जरूरी है, ऐसा नहीं है भाई कि आप ना देखें, सेफ्टी फर्स्ट, सेफ्टी का ध्यान रखिएगा। हमारे बहुत से दोस्त हैं जो अब तो हमारा परिवार हो चुका है हमारे व्यूअर्स के साथ, वो हमें कमेंट करके बताते भी है कि आप भाई सेफ्टी गॉगल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। तो भाई हम क्या है कि जब वीडियो बनाते ना तब इतने एक्साइटमेंट में होते हैं आपके लिए कि हम लोग को लगाना भूल जाते, तो मैं भी अब ध्यान रखूंगा कि ज्यादा से ज्यादा सेफ्टी का ध्यान रखूंगा। और हमारे जो परिवार वाले जो हमें बहुत ही प्यार देते हैं उनका भी मैं ख्याल रखूंगा। थोड़ा इसको चेक करके ओके डन। आज इसको थोड़ा ढीला करना पड़ेगा मुझे। थोड़ा मैंने चारों आपको भी मैं बता देता हूं, चारों चार आपको कसना नहीं है, दो दो आटे चढ़ा के उसको ढीला छोड़ देना है, तो क्या है चारों चार का आपको होल अच्छे से मिल जाएगा। देखिए फटाफट हो गया। मैंने क्या किया, चारों चार को पहले उस तरफ के दो मैंने टाइट कर दिए थे, तो मेरी गलती हो गई, मैंने उसको लूज कर दिया। उसके बाद ये देखिए बहुत ही अच्छे से टाइट हो रहा है ये, क्योंकि डेमो हम पूरा करने वाले, तो डेमो पूरा करना है तो इसको फिटिंग भी मेरे को पूरा करना पड़ेगा भाई कंप्लीट। मैं इसको कोई भी लूज बोल्ट नहीं छोड़ूंगा, मैं कंप्लीट इसको टाइट करके बता दूंगा आपको। आवाज वाइब्रेशन का भी आइडिया आ जाए, वाइब्रेशन आवाज इसकी एवरेज कितनी देर में कितना ये छिड़क रहा है, जो डोल होगा मैं उसको आपको डोल को और कलर लगा के कंप्लीट आपको बता दूंगा। यहाँ पर देखिए ये हमारा ऑन ऑफ का बटन आपको मिल गया है, यहाँ पर ये आपको ऑन ऑफ का बटन है यहाँ पर, और ये हमारा प्रेशर मीटर है, देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ से क्या है आपका प्रेशर मेंटेन होगा, आपको कितनी प्रेशर से कलर फेंकना है, कितनी दूर कलर फेंकना है। अगर अगर ऐसा हुआ कि दीवार की हाइट बहुत ज्यादा है, अगर आपको दूर कलर फेंकना है, आपको सीढ़ी नहीं लगानी है, दूर कलर फेंकना है ऐसे करके, तो आप इसके प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है प्लस करेंगे, प्रेशर जैसे प्लस करेंगे इसका फ्लो बढ़ता जाएगा, 250 mm से 350 mm तक का वो फ्लो कर दिए, फ्लो कर दिए, कर दिए। सही है, सही है। ये हमारा जो नोजल है ये यहाँ पे लग जाएगा आपका नोजल, और ये वाला जो पाइप है ये यहाँ पर लग जाएगा। सब दिया हुआ है नाप के, कोई भी आपको कारीगरी करना नहीं है, और कहीं पर भी आपको कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंप्लीट इसके अंदर दिया हुआ है। ये देखिए लॉक भी दिया हुआ है यहाँ पर जो है, ये आपका लॉक भी है, और लॉक भी पूरा सेफ्टी के साथ प्लास्टिक के इसके ऊपर कवरिंग किया हुआ है, जिससे आपसे क्या होगा आपके हाथ को लगेगा नहीं। ये जो चीज है ना ये आपको बार बार खोलना पड़ेगा, अगर आपने रेड कलर का कलर किया हुआ है ऑरेंज, तो दोस्तों सेफ्टी का पूरा ध्यान रखा हुआ है। देखो ये वाला जो नॉब था इसको भी यहाँ पे दिया हुआ है टाइट करने के लिए, ये यहाँ पर मैंने इसको टाइट कर दिया है, और ये मैंने यहाँ पर इसको टाइट कर दिया, और ये जो लॉक है लॉक को मैं ऊपर ले लूंगा, ये लॉक हो गया। अब ये ऐसा क्यों दिया हुआ है ये भी आपके मन में सवाल आएंगे, तो मैं आपको बता दूं ये इसके लिए ऐसा दिया हुआ है कि ये क्या बार बार आपको खोलना पड़ेगा। अगर आपने रेड कलर की वॉल कंपाउंड वॉल को कलर किया है, ब्राउन कलर का अगर आपने जो डिस्टेम्पर आते हैं वो कलर किया हुआ है, तो ये पाइप वगैरह को भी आपको साफ करना पड़ेगा ना, तो ये उसके लिए बेसिकली है कि आपको उसको कलर को साफ करना पड़ेगा। उसके लिए हर चीज पोर्टेबल आपको सही से दी हुई है कि जिससे आप बार बार उसको साफ कर सके। देखिए यहाँ पर भी आपको लॉक वगैरह सब दिए हुए, ये रहा ये भी लॉक दिया हुआ है आपका, यहाँ पर लॉक लग जाएगा। ये हमारा जाली दिया हुआ है स्टील का, पूरा जाली भी आपका खुल जाएगा, साफ हो जाएगा, और ये हमारा एयर का गन आ गया। अब क्या करते हैं ये जो नोजल है ना हम नोजल को खोल देते हैं, क्योंकि डेमो करना है कल। वाह बहुत ही बढ़िया क्वालिटी की नोजल है भाई, नोजल बहुत ही कड़क है,
मैं आपको बता देता हूं, मैं क्वालिटी बहुत कड़क है नोजल की। देखिए पूरी एसएस का ये पाइप है और यहाँ पर भी आगे सेफ्टी दिया हुआ है इसका। अरे वाह कितना सेफ्टी दिया हुआ है इसका। यहाँ पे ऐसे करके आप इसको पूरा खोल देंगे और ये वाला हिस्सा यहाँ पर लग जाएगा। टेफ्लोन वगैरह मारना होगा वो तो हम कल चेक करेंगे, अगर टेफ्लोन मारना होगा तो हम टेफ्लोन भी मार देंगे इसके अंदर। क्या है कि फिर आपको लीकेज ना होने पाए। ये हमारा ये नोजल यहां पर लग गया और ये वायर 1 2 7.5 मीटर का पाइप है ये। हाँ 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 7.5 मीटर का पाइप है। कितना मीटर है पाइप वो तो अभी लिखा नहीं है, मैं मेजर टेप लेके कल परफेक्ट माप के बाद कंप्लीट परफेक्ट माप लूंगा मैं आपको। ये तो हमारे व्यूवर्स भी है ना ये नाराज हो जाते हैं हमारे से कि यार तुमने नाप नहीं बताया, तुमने फलाना नहीं बताया, तो मैं आपको कंप्लीट नाप के भी बता दूंगा। अब बारी है गन को इंस्टॉल करने की। देखिए मैं गन को भी इंस्टॉल कर रहा हूँ भाई। इंस्टॉल करना बहुत आसान है, बहुत अच्छे से सब चीज लग रही है। ऐसा जरा भी मुझे ताकत नहीं लगानी पड़ रही है कि भाई यहाँ पे ताकत लगा दूं वहां पे ताकत लगा दूं। और ये पाने तो दिए हुए है, किस लिए पाने दिए हुए है देखिए, यहाँ पे ये नहीं लगेगा, 17 का पाना लगेगा। ये 17 का पाना यहाँ पर लग गया, यहाँ पर लग गया। और दूसरा एक ही 17 के पाने दो मरतबा दिए हुए देखिए, एक 17 का ये है एक 17 का ये, दो किस काम के, तो एक यहाँ से पकड़ने के लिए है और एक यहाँ से इसको टाइट करने के लिए। टाइट हो गया। और दूसरा जो पाना है बड़ा वाला 27 का, ये किस लिए है, तो ये हमारा इसके लिए है। ये यहाँ पर हमारा नोजल पूरा खुल जाएगा। ये मैं आपको कंप्लीट डिटेल बता रहा हूं, देख लीजिए। ये पूरा यहाँ से नोजल हमारा बाहर आ गया और इससे आप कंप्लीट काम कर पाएंगे साफ करने के। नोजल के अंदर भी मैं आपको सारा इसका मटेरियल बता देता हूँ खोल के, इतना सब कोई नहीं बताएगा, ये सब आपको कंप्लीट खुल जाएगा, देख सकते हैं आप। क्या बात है, ये खुल जाएगा कंप्लीट आपका। ये यहाँ से निकल चुका है, मुझे इसको वापस इसको भराना पड़ेगा, देख सकते आप। और ये जो पीछे वाला 24 है ये आपका यहाँ पे लग जाएगा, मैं खोल ही देता हूँ पूरा। ये रहा देखिए, इसका प्रेशर मेंटेन होगा यहाँ से, यहाँ से आप इसको देखिए स्प्रिंग है वो, आप स्प्रिंग होगी, स्प्रिंग आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। बहुत ही बढ़िया है भाई, मुझे तो बहुत पसंद आ गई गन यार, मेटल है। और यहाँ पे इसका लॉक है देखिए, ये लॉक है, लॉक कर देंगे तो ये ऑपरेट नहीं हो पाएगा, ये लॉक हो गई, ये अब ऑपरेट नहीं हो पाएगा, इसको आपको लॉक खोलना पड़ेगा। लॉक खोलेंगे तो ये ऑपरेट हो पाएगा, वापस मैं आपको बता दूं, ये लॉक हो गया। अब ये क्या है कि अगर आप इसको रख भी रहे हैं या दबा भी रहे, ऑपरेट नहीं होगा भाई, ये ऑपरेट नहीं होगा। इसको आपको पूरा ऐसे घुमाएंगे तब जाके आप छोटा सा ऑपरेट होगा। आगे वाला जो नोजल का हिस्सा है ये भी यहाँ पे इस तरीके से लग जाएगा। कहां से लीकेज हो रहा है, क्या हो रहा है, सब डिटेल में आपको बता दूंगा, अभी हल्का सा आवाज करके बता दूं। और हमारे जो इमरान भाई है वो आपको छोटा सा वीडियो आपको बता देंगे कि साइड पर आपको डेमो का, वो हमारा नहीं है, कल आपको दूसरा जो पार्ट 2 आएगा वीडियो का, उसके ऊपर आपको कंप्लीट हम लोग कलर करके बताएंगे, एवरेज बताएंगे, अलग अलग कलर करके बताएंगे, हर किस्म का आपको प्रोडक्ट बताएंगे। मगर आज क्या है, आपको पता चल जाए बेसिकली मशीन करेगा क्या, कल आपको डिटेल बताएंगे पूरा डेमो करके। तो अभी मशीन को चालू करके मैं आपको बता देता हूँ, आवाज वगैरह आपको आइडिया आ जाएगा। देखिए 220-240 वोल्ट पे चल जाएगा ये। 220 वोल्ट पे चल जाएगा ये। यहाँ पर इसका स्विच है देख सकते हैं आप, और यहाँ से ये ऑन ऑफ। अभी ये स्विच भी पूरा कवर किया हुआ है, इसमें आपको गीले हाथ से भी अगर आप काम करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। बहुत स्मूथ, बढ़िया, बहुत स्मूथ है, बहुत स्मूथ है। तो दोस्तों मशीन बहुत ही बढ़िया है और डेमो इससे भी भयंकर होने वाला है, क्योंकि हम लोग आग लगा देंगे दीवारों के ऊपर। कल कलर देखिएगा आप, इतना 150 फीट की दीवार रंगने वाले, 150 फीट की पूरी लंबी दीवार का कलर करेंगे, और एक जो दीवार कलर करेंगे वो बगैर प्लास्टर का कलर करने वाले दीवार। इतने हर अप्लायसेस के ऊपर हम कलर करके आपको बता देंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के ऊपर और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। नए व्यूअर से मैं गुजारिश करूंगा कि हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें। अभी भी मैं हमारे जो डैशबोर्ड पे मैं देखता हूं, अक्सर हमारे व्यूअर्स ने बेल आइकन को नहीं दबाया है, तो कृपया करके बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। धन्यवाद, थैंक यू।